लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई। बीजेपी ने काफी शोर किया मिशन 25 का, लेकिन अब बीजेपी के मिशन 25 को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में सीटों का आकलन का दौर जारी है। बीजेपी का मिशन 25 पूरा कर पाना अब उतना आसान नहीं दिख रहा है जितनी आसानी से बीजेपी इसका शोर कर रही थी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे चरण के खत्म होते होते पार्टी के लिए सीटों की संभावना काफी बढ़ गई। फालोदी सट्टा बाजार के भाव हो या राजनीतिक दलों के दावे, कहीं भी बीजेपी को 25 सीटें मिलना आसान नहीं दिख रहा है। अब राजस्थान के नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को सर्वे रिपोर्ट में भी बड़ा दावा कर दिया। प्रदेश नेतृत्व का दावा है कि कांग्रेस को 10 से भी ज्यादा सीटें मिल रही है। कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी 13 सीटें जीत रही है। जाहिर तौर पर प्रदेश कांग्रेस की रिपोर्ट पूरे देश में पार्टी के लिए जोश भरने वाली है, दूसरी ओर बीजेपी को टेंशन में डालने वाली भी है। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1-2 सीटें कम हो सकती है, जिसके बाद बीजेपी के नेता भी इसे मान रहे हैं। दरअसल इस बात का अंदाजा बीजेपी को हो गया था, जिसके चलते चुनावी रैली के दौरान बांसवाड़ा और टोंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौल बदलने की कोशिश की। बीजेपी के सर्वे में बाड़मेर, झुंझुनू और दौसा को कांग्रेस के खाते में दे रही है। वही लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला इन सबसे अलग दावा कर रहे हैं। वैसे जो ओम बिरला ने कहा वो पहले बीजेपी के सभी नेता कह रहे थे, लेकिन अब हालात देखते हुए बीजेपी के नेताओं के लफ्ज बदल गए, लेकिन ओम बिरला अब भी अपने दावे पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत कर हैट्रिक बनाने जा रही, लेकिन राजस्थान में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सीएम भजनलाल शर्मा को भी मुतासिर कर सकता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गजों से अलग भजनलाल शर्मा को तवज्जो देकर प्रदेश की सत्ता सौंपी गई, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर तय की जा सकती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।